नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो आप लोगों का आ रहा है, क्वेरी आ रहा है कि सर ऑफिशियल कट ऑफ जो है डिफरेंट कोर्सेज की वो कब आएगी और काउंसलिंग लेटर हम लोगों को कब तक आएगा। इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, मैं बता दूं कि इन सारे मुद्दों पर आज शाम 5 बजे वैभव सर लाइव आने वाले हैं BHU वर्ल्ड पे। तो आप 5 बजे लाइव आकर अपने हर एक क्वेश्चन को उनसे पूछ सकते हैं। आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, और अगर नोटिफिकेशन ना भी मिले तो 5 बजे आप चैनल पे लाइव आ जाइएगा। आइए बात कर लें अपने टॉपिक की। तो सबसे पहले ये समझिए कि कोई ऑफिशियल कट ऑफ ऐसा BHU जारी नहीं करता है रिजल्ट के तुरंत बाद कि इतने नंबर तक का एडमिशन हो जाएगा। दरअसल BHU का जो एडमिशन प्रोसीजर है उसमें ये है कि BHU अपने टोटल नंबर ऑफ सीट्स किसी भी कोर्सेस में, मान लीजिए किसी कोर्स में 500 सीट है, तो उसमें वो 4 गुना अधिक छात्रों को कॉल लेटर भेजता है, यानी कि 2000 छात्रों को वो कॉल लेटर भेज देता है और उस कॉल लेटर के आधार पे उनको आना होता है, अपनी काउंसलिंग की प्रक्रियाएं जाननी होती है। तो ऐसा कोई कट ऑफ नहीं आएगा। हाँ, जो 2000 लोगों को कॉल लेटर जाएगा उनकी एक लिस्ट जो है वो BHU दे देता है कितने तारीख को इनकी काउंसलिंग होने वाली है। तो वो कॉल लेटर दरअसल वो कोई कट ऑफ नहीं होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि कब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रियाएं शुरू होंगी और आप कैसे इससे अटैच रह पाएंगे? तो इसके लिए आप BHUonline.in को जब देखेंगे, इसको बारीकी से आप लोग देखा करिए, तो UET वाले सेक्शन में जब आप क्लिक करेंगे रिजल्ट UET में, तो एक नया टैब आपके सामने खुल जाएगा। उस टैब में देखिए लिखा हुआ नीचे, रिजल्ट के नीचे जैसे ही, काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज कवर्ड अंडर UET PET 2019 इज कमेंसिंग फ्रॉम 4th July 2019। कॉल लेटर्स विल बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली ओनली। ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पोर्टल www.bhuonline.in इन एवरी डे फॉर काउंसलिंग शेड्यूल कट ऑफ मार्क्स ऑफर टू एडमिशन फी पेमेंट डेडलाइन। यानी कि आप किसी भी जानकारी के लिए bhuonline.in को विजिट करते रहिए और अपना पोर्टल आप खोलते रहिएगा। 15 से 20 तक जो था वो रिजल्ट आने का टाइम था, तो 20 तक रिजल्ट जैसे ही आएगा, रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद एक एक करके आपको कॉल लेटर आपके पोर्टल में जाएगा। पोर्टल खोलेंगे तो देखेंगे काउंसलिंग लेटर या कॉल लेटर करके कोई डैशबोर्ड आप में बन जाएगा, उस डैशबोर्ड में एक आइकॉन बन जाएगा। तो उस आइकॉन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जाएगा। याद, एक बात याद रखिएगा, जिसका एडमिशन होगा या जिसका एडमिशन नहीं होगा वो आइकॉन सब में बनेगा। तो इसलिए इस बात से परेशान मत हो जाइएगा कोई लोग जिनका बहुत कम मार्क्स है कि उनको कॉल लेटर क्यों नहीं जा रहा है। वो आइकॉन तो सब में बनेगा लेकिन कॉल लेटर उन्हीं को जाएगा जिनको BHU कोर्स के लिए ऑफर करेगी या जिनका ज्यादा मार्क्स रहेगा। तो आप इसके लिए bhuonline.in को लगातार विजिट करते रहिए। उम्मीद है कि 25 तारीख तक आपको कॉल लेटर चले जाएं और 4 जुलाई से BHU की काउंसलिंग जो है वो शुरू हो रही है। ये लिखा हुआ है साफ कि 4 जुलाई से जो है UET अंतर्गत पाठ्यक्रम प्रवेश काउंसलिंग 4 जुलाई 2019 से प्रारंभ हो रही है। तो 4 जुलाई से प्रारंभ हो रही है और हम लोगों को उम्मीद है कि आपको 27-28 तक मैक्सिमम कॉल लेटर आपके पोर्टल में चले जाएंगे। अगर इसके संबंधित और कोई अपडेट आएगी तो हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। लेकिन अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरी है तो आप इसके लिए शाम 5 बजे चैनल पर लाइव आइए और वैभव सर से अपनी सारी समस्याओं के बारे में एक एक करके क्वेश्चन पूछिए। तो दोस्तों, आप BHU वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, काउंसलिंग संबंधित सारी जानकारी आपको यहां मिलने वाली है और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और आपके मन में कोई दुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम लोग हर एक चीज पर आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित कुमार, रंजन प्रसाद, माता सुनीता देवी, जिला खगड़िया, बिहार का निवासी। मैं BHU BA कॉमन टेस्ट 2019 दिया था। मेरा पूरे भारत में पहला स्थान है। मैं स्टार्टिंग से BHU वर्ल्ड की टीम से जुड़ा हुआ था और मेरे फेवरेट मेंटर सूरज कुमार है। मैं आगे चलकर UPSC क्रैक करना चाहता हूँ और ये मेरी माँ है जो मेरे रिजल्ट से बहुत खुश है। आगे मैं BHU में